कुछ में ना मुझे इंस्पेक्टर साहब का फोन आया। बुद्धि आंटी ज्यादा इमोशनल है, मत रुला उनको। गांव में बोलेंगे कि देखो फटा हुआ कपड़ा पहन के आ रहा है। गांव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर बिल्ली है, डॉगो है, वहाँ पे बकरी खड़ी है। चिकन बनेगा और इसके लिए बुद्धि आंटी बैठ के पंखी में। अभी हम लोग रेडी होके जा रहे हैं यूनिट 1 एंड यूनिट 2 मार्केट। ये भुवनेश्वर का बहुत वेल नोन प्लेस है, वहाँ पे हम लोग ओडिशा हैंडलूम का जो भी सामान है ना वो चेकआउट करेंगे। आई माइट फिल्म लाइक अनदर कंटेंट फॉर माय चैनल, थोड़ा बहुत ऐसे शॉपिंग स्प्री करके, बट बहुत अच्छा है। एक बार मैं जा चुकी हूँ ऑलरेडी, बट मैं अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी। मैंने ठाकुर माँ के लिए वहाँ से साड़ी भी ली है, थोड़ी एक दो साड़ी और लेनी है मुझे वहाँ से, और थोड़ी बहुत ऐसे कुर्ता ज्वेलरी वगैरह देखेंगे। उसके बाद वी नीड टू बाय फ्रिज फॉर दिस प्लेस, दिस रेंटेड अपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काफी टाइम तक रहने वाले हैं। उसके पीछे स्टोरी ये है कि वी आर बिल्डिंग आर हाउस फ्रॉम दी ग्राउंड, ये मैंने पिछले व्लॉग में ऑलरेडी आपको बता दिया। तो यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो फ्रिज की आवश्यकता है, खाना खराब हो जाता है। और रात को हम लोग वापस आते हैं घूम घाम के, तो पापा मम्मी बैठ के पूरा खाना खिलाते हैं हमको, यू नो दे ट्राई टू फिनिश इट और हम परेशान हो जाते हैं। तो चलो लेट्स गो चेंज द स्टॉप एंड वी विल हेड आउट। पहुंच गए ना, बारिश नहीं हो रही है, थैंक गॉड गाइस। हम लोग जब निकले थे तब बारिश हो रही थी, फिर बीच में बारिश बंद हो गई, फिर होने लगी। अभी चंदना से भी हमें कांटेक्ट में रहना है क्योंकि वो भी आ रही है, पर हमारी नीस नहीं आ रही है, वो सो रही है। ठीक है, इस मार्केट का पूरा टूर हॉल और रिव्यू ऑलरेडी लाइव हो चुका है मेरे चैनल पे, यू कैन क्लिक द आई बटन एंड गो वॉच इट। इसके बाद हमें फ्रिज लेने के लिए जाना था, बट वो प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। क्यों गई थी मैं पुलिस स्टेशन, भुवनेश्वर व्लॉग 1 जरूर देखना, आपको पूरा का पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। एक ही ऑटो बहुत चले, ओला वाला ऑटो ओला ऑटो चले, लाइन ऑटो चले, सब ऑटो चले। यूनिट वन तो वो है, हम तो गए भी नहीं। गाइस हम लोग फ्रिज लेने के लिए जा रहे थे, पहुंच भी गए थे। उतने में ना मुझे इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि ओनर जो गाड़ी के हैं और जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उनको बुलाया है, तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। यू कैंसिल द प्लान फॉर द फ्रिज, सो यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा, 15 मिनट। अभी वहाँ पे बैठा हुआ है वो, तो उन्होंने बोला हाईली अप्रिशिएबल अगर आप पहुँच जाओ तो, उनके सामने वो उनको इंस्पेक्ट करेंगे बेसिकली। तो हम लोग सब वहीं पे जा रहे हैं इस वक्त। रात हो चुकी है, पुलिस स्टेशन के अंदर हम लोग कुछ 1 से 2 घंटा थे, बहुत कुछ हो चुका है। अभी हम लोग कैब ड्राइवर का व्यवस्था कर रहे हैं जो कि बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो पुलिस स्टेशन का पिकअप नहीं ले रहा है, वो एयरपोर्ट का ले रहा है और एयरपोर्ट जस्ट ऑपोजिट है यहाँ के, है ना। और कोई भी ड्राइवर आना नहीं चाहता यहाँ पे, यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे सबके सब की ये पिकअप डालो वो पिकअप डालो, यू नो आधा घंटा तो कैब बुकिंग में लग गया यार यहाँ पे, कब घर पहुँचेंगे। आज हम लोग जा रहे हैं अभी 12 बजे की ट्रेन से बालेश्वर, बालेश्वर से हम लोग जाएंगे हमारा गांव। तो बाय ट्रेन 3 घंटा लगेगा एंड फिर गांव जाने के लिए 1 घंटा लगेगा। सो कौन कौन जा रहा है, मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरी कजिन सिस्टर चंदना, उसकी बेटी भी जा रही है। सो हम सब निकलने वाले, बनना इसलिए जा पा रही है, वो कल सुबह की ट्रेन से निकलेगी। सो माई मॉम इज़ इन द किचन, दैट्स द किचन एरिया, एंड एवरी वन एल्स इज़ इन दैट रूम और इधर इन दैट रूम, माई फादर इज इन दैट रूम। सो आई एम गोना शो यू व्हाट माई मॉम मेड टुडे। क्या बन रहा है, दिस इज बॉर्बल भजिया, दिस इज मम्मी राजमा की दाल है, वो चना दाल है, मूंग का दाल, चावल, लाइन यहाँ पे बनानास गाइस, ऐसे बनाना ना गोवा में भी मिलते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना वहाँ पे ऐसे बनानास बहुत मिलते हैं। मैंने अपने नए बैग का इनॉग्रेशन कर लिया है जो मैंने खरीदा है अभी, लुक, क्योंकि हम लोग इतना सारा सामान लेके नहीं जा सकते ना, तो हम लोग एक ही बैग कर रहे हैं मैं और मेरी बहन। तो यहाँ पे मेरा सामान आ जाएगा, वहाँ पे दीदी का सामान आ जाएगा। कितना गरीब घर का बच्चा है, कहाँ पे, कौन बोलेगा, गांव में बोलेंगे कि देखो फटा हुआ कपड़ा पहन के आ रहा है। क्यों बोलेंगे ऐसा, क्योंकि तुमने फटा हुआ कपड़ा पहना, क्योंकि मैंने रिप जींस पहना है पापा, इसलिए पापा बोल रहे हैं कि इसको काटो यहाँ नीचे से, गंदा हो रहा है, ये निकल रहा है धागा, पर दिस इज टाइम पापा जी। बाय बंदना, बाय बाय मेरी प्यारी अम्मा।
बच्ची है वो माँ माँ तो माँ रखी बॉडी माँ माँ बॉडी माँ माँ आई नहीं जाना कहीं चपरे लेंगे तुम तो चढ़ी हो हाँ पापा ये भागते भागते आते इसके लिए चल बैठ जा बैठ हाँ पापा सुन सुन कहीं मामा इसे भाग भाग के पकड़ा ना ट्रेन चलना की वजह से क्यों चलना तेरी वजह से अगर आज मेरी ट्रेन छूटती तो तू मुझे बालेश्वर पहुंचाती वो भी मेरे पूरे सामान के साथ जी हाँ मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ कोई डाउट मत रखना दिल में बस हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे पता है एक अंकल से हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो गया अनबन टाइप की हो गई वी रीच्ड बालेश्वर यहाँ पे मेरी एक पीसी रहती हैं पीसी मीन्स बुआ एंड उनसे हम मिलेंगे उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे क्योंकि मुझे अपनी सारे पीसीज के लिए मेरी 3 पीसी है उनके लिए साड़ी लेनी है तो वो रह गया था तो मैं वहीं यहीं से लूँगी उसके बाद वी विल गो टू चकरड़ा चकरड़ा मेरे गाँव का नाम है ठीक है यहाँ से 1 घंटा लगेगा पहुँच गए साड़ी लेंगे अब यहाँ से अशोका साड़ी देख रहे हैं हाँ वो ये अच्छा लग रहा है हम लोग ने बहुत सारी साड़ियाँ देखी स्टार्टिंग में कुछ पसंद नहीं आ रहा था फिर हम लोग ने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ साड़ी भी देखी एंड फाइनली वी डिसाइडेड ऑन दिस टाई डाई प्रिंट वाली साड़ी जो हम तीनों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था सो हमने इस साड़ी के 3 कलर ले लिए फॉर माय 3 पीसेस आम ले रही हूँ नानी के लिए मेरी दादी के लिए तेरी नानी के लिए टू मच वेराइटी ऑफ आम गाइस उड़ीसा वाला केला बड़ा है ये अमरूद हमारी शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही हम यहाँ पे मिठाई लेने के लिए आए हैं जल्दी को सेटा नहीं ना नहीं एंड आई लव छेनापोड़ो गाइस आई कैन स्पॉट छेनापोड़ो फ्रॉम हियर दीदी छेनापोड़ो दीदी हां बहुत सुपर होगा छेना गाइस नीड सुषमा आंटी मेरे पापा की बहन है ये आई गॉट योर गिफ्ट रेडी सुषमा आंटी देखी भी ये गिफ्ट तो मैं थैंक यू की सो ब्यूटीफुल गाइस सुषमा आंटी को बोलो वो चलेंगे हमारे साथ वो नहीं चलना चाहती वो हमको बोल रही है रुक जाओ क्योंकि बहुत टाइम बाद आए ना हम इसलिए पर हम बोल रहे हैं आप चलो गाओ हमारे साथ तीनों सिस्टर वहीं पे रहेंगी बुधिया आंटी भी आ रही है और ये पागल बांटी वेलकम बैक टू माय व्लॉग कितने बार हो गया चार बार दिस इज लाइक फुल HD कैमरा वाला हो गया यार स्पॉटेड अनदर PC जो कि ऑरेंज कलर की साड़ी में हमारा वेट कर रही है उन्हें पिक करके लेके हमें गाँव जाना था यहाँ पे सारी आंटियों को मिक्सर लेना है मिठाई लेना है पता नहीं क्या क्या लेना है और बाकी लोग ऐसे गाड़ी में बैठे हुए वो अब नहीं आ सकते दे कांट गांव की गलियों में
अंदर अंदर जाके एकदम लास्ट में ना अपना घर। कौन मंदिर राइट ना, मंदिर अब रात में नहीं दिखेगा ब्रो, इसको सुबह आके देखेंगे हम लोग। पहुंच गए एंड आई ड्रॉप माय फोन अगेन। मेरा घर कौन कौन कर रहा है, मैं क्या पता तुम्हार ना। ऐसी गली तो मैं ऐसी गलू ऐसी गले चीनी नहीं था को मैडम की पैटर्न ले रखो कि चीरा था पिन था। गांव में बोलेंगे कि देखो फटा हुआ कपड़ा पहन के आ रहा है, क्योंकि तुमने फटा हुआ कपड़ा पहना है, क्योंकि मैंने रिप जींस पहना है पापा, इसलिए फैशन था को मैडम। बुद्धि आंटी ज्यादा इमोशनल है, मत रुला उनको। इसे साड़ी ना पूछी चल रहा है। हां कांटी बने तो भाई साड़ी बोल रही थी तो बोली की देखो भाई साड़ी ना बोल नहीं ना एमटी एच मैं बोल रही थी दीपा ने से नहीं आज कोटा बोले का बोल लग छी ये बोल लग छी। हम लोग को आते आते थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि सुषमा आंटी के घर हम लोग रुक गए थे, फिर हम लोग ने बुद्धि आंटी को पिक किया, फिर हम लोग यहाँ पे वापस आए, फिर हम लोग गप्पे लड़ाने लगे। इस घर का टूर मैं आपको कल दूंगी, एक हाउस टूर जाएगा। अभी हम लोग खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाँव में आज मेरा पहला पूरा दिन है, किचन में काम शुरू हो चुका है, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग से मेरा मतलब है मेरी बहन और मेरी नीस सो रही है, अब बाकी सब उठ चुके हैं। ठीक है, दिस इज़ द रूम। रूम टूर तो मैं आपको बाद में दे रही हूँ, बट मेरे सामने ना जस्ट ऑपोजिट तालाब है, एंड ये हमारा तालाब नहीं, हमारे पड़ोस में जो रहते हैं उन्हीं का तालाब है, बट आई गॉट अ तालाब व्यू रूम में। चलो देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। ए बिल्ली बोलेगा ते किछि खाइते दिया हबो नि बुझिलु जा पड़ा। तरकारी कोन बनाबो हो? चिकन। चिकन पाई चिकन बनेगा आज, इसके लिए बुढ़िया आंटी बैठ के पंखी में खूब सारा प्याज काट रही है। देसी चिकन, देसी चिकन, देसी चिकन। हम भी बहुत अच्छा है का दूनु होती का तो भी दबो उधर से मन की उठते पेस जुनू आंटी की बकरी माने वो खुशी इधर रखी जा नियो। मैंने नहा लिया है, अभी दोपहर के 12 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि खाने की तैयारी हो रही है, वहाँ पे बुद्धि आंटी मसाला पीस रही हैं पीछे, एंड या दैट्स द अपडेट दैट आई हैव फॉर यू। बस बिल्ली है, डॉगो है, वहाँ पे बकरी खड़ी है। रेडी है गला? अभी देखिए भी। दिस इज ड्राई चिकन। या कुड़िया ने कौन कौन थी? फसा। फसा। चिकन फसा। सिर्फ फसी जाए ची। टेस्ट करी वो। टेस्ट इट। तो करो वो। दिस इज रसा। क्या तेरी वो? मतलब बेबी वाला चिकन। तीनों पीस ने मिलके बनाया। आपको मैं कुछ साड़ी दिया था मैंने, उन्होंने पहना है फोटो के लिए, कितनी सुंदर लग रही है ठाकुर। गाइस हम लोग मंदिर देखने जा रहे हैं, कीचड़ बहुत है यार यहाँ पे। बंद कर दे, देख नीचे देख। कद्दू हो गया उसका जूता।
चिड़िया देखो so many goats see count गांव में एक ही स्कूल है ये है रात में दिख नहीं रहा था ना कल मैं अंदर नहीं गई बाय द वे बाहर से देख लेती वैसे दिख रहा है ओहो यस zoomed in shot शिवजी का मंदिर है कुछ 5 साल पहले बना था ये मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर है अभी मंदिर तो बंद है पर इसका इंटीरियर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है जस्ट सिटिंग एंड चिलिंग वी विल बी हियर फॉर लाइक 5 to 10 मोर मिनट्स उसके बाद वी विल हेड होम बारिश आ रही है जा रही है जैसे हम लोग आए ना तो तब बारिश नहीं थी और हम लोग छाता भी लेके नहीं आए तो हम लोग सब अंदर आके बैठ गए अभी चंदना भी है पर वो उस तरफ है अपनी बेटी के साथ उसको हमने लॉलीपॉप दिला दिया है मंदिर दर्शन इज डन वी आर हेडिंग बैक होम शाम हो चुकी है अभी भी नज़ारा इतना सुंदर है मेरे बगल में वी आर ऑन आवर वे टू होम चंदा को हम लोग ने ड्रॉप किया आई फील सो टायर्ड और मुझे बहुत तेज आई है सुसू मैंने सुबह किया था पहले गांव से निकलने से पहले उसके बाद आई थॉट कि मैं ट्रेन में जाके करूँगी बट इतना गंदा था ना वॉशरूम उसका इमेज अभी तक मेरी नैन के सामने से नहीं जा पा रहा है वो बहुत ही गंदा था वो सो अब मैं घर जाके करूँगी प्रेशर बड़ा आ रहा है मुझे उनका खटखट बन नहीं हो रहा है एनी वे आई थिंक आई एम गोना एंड द व्लॉग हियर अगर आप ऐसे कंटेंट देखना चाहते हो व्लॉग्स देखना चाहते हो देन यू नो व्हाट टू डू सब्सक्राइब लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई एम गोना सी यू गाइस प्रीटी सून विद ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन माय चैनल बाय एवरीवन टेक केयर आयशा अगिया अगिया ओहो मत मिस करी मत तो यू विल मिस मासी से यस हार्ट ब्रोकन दीदी